जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ, तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गाने में बैठ जा रहा हूं। तेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र भी सियासी महाभारत का सबब बना रहा। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक दाव और दावों का दंगल चला। सरकार बनाम विपक्ष के इस दंगल में समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से ही सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महंगाई और रोजगार का मुद्दा उछाला था। सवाल ये है कि महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, बेरोजगारी पर सरकार क्या कर रही है, रोजगार देगी नौजवानों को नहीं देगी। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और लगता तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में कोई बहुत बड़ी डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी। नए नए तरीके इजाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यूपी विधानसभा में एक ऐतिहासिक काम भी हुआ, पुरानी नियमावली को बदलकर नई नियमावली पेश की गई। हालांकि विपक्ष का इसके कई बिंदुओं पर विरोध रहा, वहीं सरकार की ओर से भी दिग्गजों ने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के सदस्य ये तय कर लिए हैं कि केवल सुबह सुबह वो कभी सारस का ट्वीट कर देते हैं, तो कभी वह किसी शादी के समारोह का हिस्सा होते हैं, तो कभी उनको केवल सड़क पे घूमते हुए सांड और गाय ही उनको नजर आती, जनता की समस्या नहीं नजर आती। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जातिगत जनगणना का मुद्दा सूबे की सियासी फिजाओं में उछाल दिया। वहीं विधानसभा सत्र के संग्राम में कुछ तस्वीरों ने भी तासीर को गर्मा दिया। रालोद के विधायकों की सीएम योगी से अलग में मुलाकात के मायने खोजे जा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पानी पी पी कर कोस रहे ओम प्रकाश राजभर और उनकी मुलाकात में उस संवाद पर भी चर्चाओं की चाल तेज दिखी, जब अखिलेश यादव ने राजभर से कहा था वक्त पर वापस लौट आना। हालांकि बाद में बदले बदले से दिखे राजभर। जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ, तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गाने में बैठ जा रहा हूं। तेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। वहीं विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी खूब वार पलटवार हुए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की नई परिभाषा और पहचान बताते हुए डबल इंजन वाली सरकार पर कई सवाल दागे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हर सवाल का बखूबी जवाब अपने अंदाज में दिया। ये दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरा, और अब इन चार से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। ये $1 trillion इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किए कैसे संभव है। मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं।
क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदि हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। बहरहाल अखिलेश यादव के वार पर सीएम योगी ने पलटवार कर दिया। ओपीएस और जातिगत जनगणना का मुद्दा सियासी फिसाद पर नई जंग शुरू करता हुआ दिख गया। ऐसे में सवाल ये है, क्या सेट हो गया है 2024 का एजेंडा।